ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିକାଶ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଜାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ନିବେଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସହ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକଭବନରେ ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଉଦ୍ୟୋଗିକ ପାର୍କର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ 10ଟି ଉଦ୍ୟୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ସର୍ତ୍ତ ସହ ସରକାର ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲେସ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 10ରୁ 20 ଏକର ଘରୋଇ ଜମିରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 1% ସୁଧରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ 51,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ପରମ୍ପରାଗତ କାରିଗରକୁ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ODOP ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता, और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। MSME सेक्टर के लिए ODOP के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये 51,000 करोड़ रुपए का जो लोन आपके द्वारा दिया जा रहा है, यह हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा, एक नया मार्ग उनके लिए होगा, उन लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, उन लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी, घर में बैठे बैठे लोगों को रोजगार मिलेगा। इस वर्ष ODOP और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना द्वारा एक नई पहल की गई है, जो दोनों योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित हस्तशिल्पी कारीगरों को भारत सरकार के सेक्टर काउंसलिंग के माध्यम से RPL प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश के कारीगरों की पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।